क्योंकि ये बीमारी रिलेटेड है थॉट से, सोचों से, बिहेवियर से, मूड से, ठीक है। और हमारा जो ब्रेन है, मतलब अगर हम आम भाषा में बात करें, हमारा जो माइंड की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, मतलब कोई गोली नहीं बनी कि हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया हो कि ऐसे नहाते हैं, ऐसे करते हैं। बचपन से हमारी ट्रेनिंग हुई है, बचपन से हमारे दिमाग में बातें बैठी हुई हैं कि ये लोग ऐसे होते हैं। हम बोलते हैं ना इस तरह से कि नहीं नहीं ये ऐसा है, इस कास्ट का ये तो ऐसा ही होगा, तो हमारे बिलीफ सिस्टम बने होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेशेंट के साथ साथ उसके जो घर का माहौल होता है, उसके जो घर रहने वाले सदस्य होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उनके अंदर भी कुछ ऐसे कैरेक्टर फ्लॉज होते हैं, उनके चरित्र में भी ऐसी कोई बातें होती हैं, उनके उनके भी कोई पर्सनालिटी के ऐसे एस्पेक्ट और बिहेवियर होते हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट की बीमारी है वो बढ़ती है। क्योंकि जब हम बोलते हैं ब्रेन डिसऑर्डर, जब हम बोलते हैं कि ये दिमागी बीमारी है, तो हम कैसे पहचानते हैं, पानी ले लो आप, जब हम हमें कैसे पता चलता है कि आपको कैसे पता चलता है कि आपके हस्बैंड ठीक नहीं है, किन चीज़ों से? उनको सिर्फ देखने से, और बोलने के तरीके से, यानी कि जब उनका जो अंदर चीज़ें चल रही हैं, जब वो एक्शन के रूप में बाहर आती हैं, तो हमें पता लगता है। और हम फैमिली बोलने लग जाते हैं कि ये गलत कर रहा है, ये गलत तरीके से बोल रहा है, इसका बिहेवियर गलत हो गया, अनहेल्दी हो गया, ठीक है। तो हमारा जो माइंड है ना, वो ट्रेनिंग से सीखता है। तो दो लेवल पे हमने अंडरस्टैंड करना है, हमने ये बात समझनी है कि एक तो बीमारी से पहले बीमारी वाली ऐसी कौन सी बातें थी हमारे पेशेंट के अंदर, ठीक है, जैसे झूठ बोलना, जैसे ज़िद्दी होना, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो नशा करता है, जब पर्सन, जब वो उसकी सोचों को, उसकी हरकतों को, दिमाग को इफ़ेक्ट करती है, तो उसके कुछ ऐसे बिहेवियर्स हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बच्चे ने झूठ बोला और उसकी माँ को पता चल गया कि उसने झूठ बोला है, अगर उसकी माँ उसको गाइड नहीं करती, अगर वो उसको कोई भी ऐसी एक्शन से उसको चेक नहीं करती कि ये गलत है, तो बच्चा क्या वो दोबारा दोहराएगा? बिल्कुल दोहराएगा, ठीक है। तो हमारा जो माइंड है ना, जो ब्रेन है, वो री इन्फोर्समेंट से सीखता है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, उसको शाबाशी देते हैं, तो जो हमारा ब्रेन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव री इन्फोर्समेंट से सीखता है। इसका मतलब है, अगर किसी ने कोई ऐसा एक्शन किया जो सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, या मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जिसको गलत माना जाता है, ठीक है, जैसे झूठ बोलना, ज़िद्दी होना, तोड़फोड़ करना, गुस्सा होना, जो हम चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सोशल कंडक्ट ना हो, ठीक है, अगर बचपन से ही ऐसी बातों पे माँ बाप पर्दा डालेंगे या पर्सन को चेक नहीं किया जाएगा, तो वो उसके दिमाग का एक सोच का एक हिस्सा बन जाएगा, उसकी आदत बन जाएगा, और ऊपर से अगर नशा आ जाएगा, ये बीमारी आ जाएगी, तो वो चीज़ें और बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम बीमारी के दायरे में आज सीखते हैं कि घर में जब बीमारी आई, उसके बाद घर वालों ने पेशेंट के साथ कैसे कैसे बिहेव किया जिससे बीमारी बढ़ी, ठीक है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि पेशेंट की बेइज्जती या ताने देना, ये सब हमें नहीं करना। क्योंकि एक तरफ से हम कह रहे हैं, चलो यहाँ आने से पहले हमें नहीं पता था बीमारी है, तो हमने पेशेंट को बुरा भी भला कहा है बहुत, ठीक है, हमने उसके साथ मिसबिहेव भी किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी। मगर अगर एक पेशेंट के साथ हम, जो पेशेंट गलत इंसान नहीं है, बुरा नहीं है, पागल नहीं है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा, उसके
बॉडी की एक ज़रूरत बन गई है नशा, अब उसे अच्छा लगे या बुरा लगे उसने नशा करना है, और नशा करके जब वो अपने होश में नहीं रहता, जब वो चीज़ें करता है, जाहिर है उन चीज़ों से हम फैमिली मेम्बर्स को बुरा लगता है, गुस्सा आता है, ठीक है। मगर अगर हम इस चीज़ को बीमारी मानते हैं तो हम जैसे कैंसर पेशेंट की बेइज्जती नहीं करते, टीबी पेशेंट की बेइज्जती नहीं करते, तो इसी तरह से हमें इस पेशेंट की भी बेइज्जती नहीं करनी है। क्योंकि अगर तो उसको बीमारी है, वो जानबूझ के तो कर नहीं रहा। दूसरा, ऑलरेडी रिसर्च के अकॉर्डिंग, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, जो पेशेंट होता है मरीज़, उसकी सेल्फ एस्टीम, उसकी रिस्पेक्ट काफ़ी गिर चुकी होती है, उसकी काफ़ी बेइज्जती हुई होती है, उसको पता होता है कि वो गलत कर रहा है मगर वो फिर भी नहीं रुक पाता है। तो इस चक्कर में अगर एक तरफ फैमिली कहे भाई हमने पेशेंट को ठीक करना है, और पेशेंट को हम डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, बेइज्जती भी कर रहे हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं, तो वो अपने मन में सोचेगा फिर मैं किसके लिए ठीक होऊंगा अगर मुझे यही बातें सुननी है। क्योंकि रिस्पेक्ट सबको ज़रूरी है, हर इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए। तो अगर वो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी और उस सिचुएशन में हम पर्सन को बुरा भला कहेंगे, तो वो अल्टीमेटली और नशा करेगा। तो गुस्सा करना, मारना, पीटना, पेशेंट के साथ मिसबिहेव करना सिर्फ नशे को बढ़ाता है, इस बीमारी को बढ़ाता है। सेकंड चीज़, और ये हमने बहुत करी होती है, हम सब ने करी हुई है। दूसरी चीज़, नो इनेबलिंग। इनेबलिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना। अभी हमने जब मीटिंग शुरू करी तो मैं बोल रही थी कि हमारे अनहेल्दी बिहेवियर्स होते हैं, हमारा जो कैसे हम एक्शन कर रहे हैं, कैसी हम बातें कर रहे हैं, वो इस बीमारी में बताती हैं, जब हम करते हैं कि हमारे दिमाग में कोई ख़राबी, हम गलत एक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे घर में बीमारी आ गई और हमारा पेशेंट गलत एक्शन कर रहा है। अब हमने फर्स्ट पॉइंट में बोला उसे समझाना नहीं है, डांटना नहीं है, ताने नहीं देने, मारना नहीं है, मार के नहीं आप ठीक कर सकते, तो फिर उसके बाद में हम उसके साथ फिर कैसे बिहेव करें, ठीक है। तो उसमें कैसे बिहेव करें, कैसे कम्युनिकेट करें, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग ऐसी कौन सी हरकतें करते हैं जिससे बीमारी बढ़ती है, ठीक है। मान लीजिए एक बच्चा नशा करता है और उसके फादर को नहीं पता, उसकी मदर को पता है, और उसकी मदर को जब पता चलता है वो फादर से छुपाती है। अब छुपा के माने क्या किया, यानी कि हमने बीमारी को ढांप दिया, हमने इनडायरेक्टली उस बेटे को, उस बच्चे को परमिशन दे दी, ओके जो तुमने करना है करते रहो। अब माँ को पता है या बाप को पता है कि ये पैसे से नशा करेगा जाके, फिर भी माँ ने, बेशक इस डर से कि अगर फादर को पता लगेगा तो उसको पीटेगा, घर में कलेश होगा, उसको बचाने के लिए पैसे दे दिए, तो हमने क्या किया, बढ़ावा दिया, ठीक है। क्योंकि ब्रेन को सिग्नल जा रहा है, ब्रेन को सिग्नल जा रहा है, ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसे तुमने गाली दी कोई बात नहीं, ठीक है। अगर तुमने तोड़फोड़ करी, आगे से किसी ने चेक नहीं किया, कोई भी ऐसा मैसेज नहीं दिमाग को गया, तो दिमाग कहता है ओके करी जाओ, ठीक है। जैसे एक पेशेंट का नशे के दौरान जब वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है, कोई हादसा हो गया और उसकी गाड़ी का डैमेज हो गया, अब छुपते छुपाते बिना पेशेंट ने जब बेहोशी में एक्सीडेंट किया, जब होश में आया तो हो सकता है उसे याद नहीं हो कि उसने एक्सीडेंट किया, और बिना पेशेंट को कम्युनिकेट करे बताए या उससे बात करे, उसको समझा के या बता के हमने गाड़ी ठीक करा दी, तो हमने पेशेंट को क्या मैसेज दिया कि तुम नशा करो, नशे में तुम एक्सीडेंट कर ही जाओ, हम गाड़ी ठीक कराते रहे। इसको कहते हैं इनेबलिंग बिहेवियर्स।
जो काम पेशेंट खुद कर सकता है, क्योंकि एक पेशेंट क्या करता है, पेशेंट लाचार हो जाता है, उसका काम सिर्फ एक होता है, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक उसके दिमाग में नशा घूमता है, और जब वो नशा कर लेता है तो अपने वो ज़िंदगी में जो काम होते हैं ना उनको वो नहीं कर सकता है। अब हमने अगर पेशेंट को रिकवरी में लेके आना है, और अगर हम चाहते हैं कि जो उसका सेल्फ एस्टीम गिर गया है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, अगर हम चाहते हैं कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए, अपनी ड्यूटीज संभाले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले, लेकिन अगर सारे उसके काम हम कर ही जाएंगे, मान लीजिए बिजली का बिल देना है, ठीक है, पेशेंट की ड्यूटी है देने की, वो नहीं देता और हम दे देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको और अपाहिज बना रहे हैं। इनको कहते हैं इनेबलिंग बिहेवियर्स। ये बीमारी का ट्रीटमेंट तब होता है जब पेशेंट को दर्द होता है, जब पेशेंट नशे की स्टेट में होता है ना, तो उसको कुछ भी एहसास नहीं होता, राइट हितेश, उसको कोई एहसास नहीं होता। अब हमने पेशेंट को एहसास दिलाना है, क्योंकि इंसान को ही एहसास होता है, ठीक है। अगर पेशेंट ने कोई ऐसी चीज़ कर दी जिसका दर्द आपने उसको नहीं होने दिया, मान लीजिए पेशेंट ने किसी से पैसे लिए, आपको नहीं पता, फादर को नहीं पता, अब वो जब पेशेंट घर में नहीं है, फादर से वो पैसे लेने आ गया वो पर्सन, और उसने बड़ा ताने दिए, बातें सुनाई, अब फादर की इज्जत को भी बहुत धक्का लगा, उसको बहुत बुरा लगा, ठीक है, मगर पेशेंट के आने से पहले उसने पैसे दे दिए और सब कुछ रफा दफा कर दिया। अब आपने पेशेंट को वो बातें सुनने ही नहीं दी जिससे उससे दर्द होता, और बढ़ावा दे दिया, तो पेशेंट को मतलब इस तरह से हम इनेबल करते हैं। तो इस प्रोग्राम में बैठ के हम सीखते हैं कि किन चीज़ों को, मान लीजिए पेशेंट आपका एडिक्शन में चला गया है, आपको पता है, और कोई आपका रिश्तेदार या दोस्त आके आपको बोलता है कि लगता है कि इनको एडिक्शन हो गई है, ये नशा करते हैं या कोई ऐसी बात है, तो हम क्योंकि नहीं चाहते कि हमारे हस्बैंड, हमारे बेटे, घर वाले की बेइज्जती हो, इज्जत पे इफ़ेक्ट हो, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं वो ना थके हुए होते हैं तो कभी कभी ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने अपनी तरफ से अटैचमेंट की वजह से और अपनी तरफ से इज्जत को बचाने की कोशिश करी, लेकिन हमने क्या किया, जो दर्द पेशेंट को होना चाहिए वो दर्द उसे नहीं होने दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेन एडिक्शन की जड़ है, पेशेंट के अंदर बचपन से लेकर आज तक कोई पेन, कोई कमी, कुछ बैठा हुआ है जिसकी वजह से नशा आया, और यही पेन देकर डिफरेंट तरह की पेन देकर उसको रिकवरी में लेकर आना है, क्योंकि उसको इंसान वही है जिसको एहसास होता है, जिसको फीलिंग्स होती हैं, जिसमें इमोशंस होते हैं, और अकॉर्डिंग टू सर, जैसे सर हर मीटिंग में बताते हैं कि हमारे ना न्यूरॉन्स होते हैं, चेक मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जिसमें हम पेन और प्लेजर, खुशी और दर्द महसूस करते हैं, इस बीमारी में वो होते ही नहीं है, ख़त्म हो जाते हैं। जब हमें लगता है ना इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इतना कुछ कर रही हूँ इसके लिए, इसको कोई असर ही नहीं है, इसको दिख ही नहीं रहा मैं रो रही हूँ, ना मेरे आंसू दिख रहे हैं, ना कोई बूढ़ी माँ दिख रही है, ना बच्चे दिख रहे हैं, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि साइंटिफिकली हो रहा है। जिस तरह से सुन नंब हो जाता है हमारा हाथ, या उस टाइम हमें कुछ भी महसूस नहीं होता, तो अगर एक शरीर में नुक्स आ गया है, एक दिमाग का हिस्सा जहाँ पे हमें दर्द और खुशी महसूस हो रही है, अगर वो हिस्सा पेशेंट का काम नहीं कर रहा, तो इसमें उसकी गलती नहीं है, वो बीमारी का लक्षण है। बट कमिंग बैक टू इनेबलिंग बिहेवियर्स, क्योंकि आज हम वो बात कर रहे हैं कि जाने अनजाने में, जानबूझ के नहीं, हमने पेशेंट के साथ ये सारी बातें करी हैं, क्योंकि अगर उसे दर्द महसूस होता, क्योंकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अगर ब्रेन को मिलता तो उसको दर्द होता, फिर वो अंदर हिलजुल करता, सोचता
एहसास होता, हम पेशेंट को एहसास ही नहीं होने देते। इसलिए हमें इनेबलिंग बिहेवियर्स नहीं करने, जो काम पेशेंट कर सकता है उसके वो काम नहीं करने, नहीं तो उसका कभी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस नहीं आएगा। जब भी हम कोई काम करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, हमें कॉन्फिडेंस आता है और हम बड़ा खुश होते हैं, मैंने कुछ किया। ये वाली चीज़ हमारे पेशेंट में मिसिंग होती है और इस बीमारी में वैसे ही मिसिंग हो जाती है, क्योंकि लोग सुनाते ही इतना कुछ है और पेशेंट को लगता है कि मैं कुछ नहीं करता। तो मतलब बहुत हैरानी होती है, जब मैं भी मतलब ये सब चीज़ें सीख रही थी कि जो हम चाहते हैं हमारा पेशेंट करे, हम वो करने ही नहीं दे रहे उसको। जाने अनजाने में हमें नहीं पता और हम ही बाधा बने हुए हैं, हम ही रुकावट बने हुए हैं। अब आप उसको इज्जत की बात कह लो, डर कह लो, कुछ भी कह लो। सो जब भी हम बीमारी से होने वाले हादसे को, दर्द को, एहसास को पेशेंट को नहीं होने देंगे, जैसे हॉस्पिटल में अभी विड्रॉल आ रहे हैं, तोड़ बज रही है, आने चाहिए, ये पेन ज़रूरी है। पर एक माँ जैसे कल बोली, नहीं नहीं उसका दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा, काश मैं उसका दर्द ले लेती। अगर आप एक इंसान से उसका दर्द ले लोगे तो उसके पास जीने को क्या रह जाएगा, क्योंकि दर्द ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सो इसलिए जब फैमिलीज पूछती है हम क्या करें, हम क्या करें, तो ये सब करना है। और क्योंकि बात हमारी पूरी ज़िंदगी से रिलेटेड है, थॉट, मूड, एक्शन, बिहेवियर, सब कुछ यहाँ से आता है और यही हिस्सा ख़राब है, तो उन सारी चीज़ों को हमें ठीक करना है। और हमें भी पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तभी हम कहते हैं कि हमें प्रोवोक नहीं करना, इनेबल नहीं करना। रिकवरी का मतलब है कि एक नशा छुड़ाना सिर्फ गोल नहीं है, एक हेल्दी लाइफ लीड करना है, पेशेंट को एम्पावर करना है, क्योंकि 24 घंटे पूरी उम्र हम पेशेंट के साथ नहीं रह सकते, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसलिए अल्टीमेटली गोल ट्रीटमेंट का ये है कि हम पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाए, हम उसकी पावर नहीं बने। ये अच्छा अच्छा नशा चला गया कोई बात नहीं, तू बैठा रहा। बहुत सारी फैमिलीज कहते हैं अच्छा नशा छोड़ा है ना, कोई बात नहीं, हम पैसे दे देंगे, तू बस बैठा रहे। तो आपने क्या किया, आपने नशा चला गया, आप पैसे का नशा दे दिया उसको, हडरामी का नशा दे दिया उसको, तो वो ज़िंदगी तो नहीं जी रहा ना। तो इसलिए हमें घर के माहौल में ऐसे हेल्दी बिहेवियर्स लाने हैं, तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। बिफोर पॉइंटिंग आउट टू द पेशेंट, चाहे वो हस्बैंड है, बच्चा है, कोई भी है, क्योंकि वो पेशेंट है अभी उसकी कैपेसिटी नहीं है, सबसे पहले वो एब्सटिनेंसी कर ले, वही बहुत है। उसके बाद वो अपने कैरेक्टर फ्लॉज पे काम करता है, अपनी पेन पे काम करता है, उसके बाद जाके वो लाइफ को सेलिब्रेट करता है। और क्योंकि ये देखो कितना सारा काम है करना, ना मुश्किल लग रहा है सुनना, दूसरे को हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं, पर अपने अंदर एक क्वालिटी को लाना, चेंज करना बहुत मुश्किल है। ये एक और रीज़न है कि ट्रीटमेंट नहीं मिलता, रिकवरी नहीं आती घर में, क्योंकि ये सारी चीज़ों से हम वैसे ही थके होते हैं। अब इतना सारा जो थकी हुई फैमिलीज नई नई आती हैं, बैठती हैं, वो तो अंदर जाती नहीं है उनके इन्फॉर्मेशन, इसलिए हम बहुत बार बोल देते हैं ठीक है अब ज़िंदगी निकल गई, जो होगा भगवान को मंजूर है।